सभी भाई बहने सर्वप्रथम हमारे बीच में उपस्थित हमारे संत भ्राता जी, हमारे थाना इंचार्ज भाई जी, हमारे इस प्रांगण के इस विद्या के मंदिर के संस्थापक बाबू जी, हमारे अंकित भाई जी, हमारे पेरेंट्स अभिभावकगण और हमारी प्यारी बच्चों, हमारे शिक्षकगण, हमारे शिक्षक जो गुरुगण आज यहाँ पर इस प्रांगण की नींव जो अपने अथक प्रयासों से इस बगिया को महका रहे हैं, ऐसी सुंदर बगिया जो हमारे संस्थापक बाबूजी ने लगाई है, ऐसे संस्थापक को देखकर, क्योंकि आज हमारे इस क्षेत्र में ऐसे कॉलेजों का सर्वथा बहुत अभाव है, क्योंकि ये पॉलिटिकल एरिया है, राजनीति यहाँ से होकर के बहुत मशक्त होकर के निकलती है, और ऐसे जगह पर आप सभी यहाँ पर समाज के निर्माण के लिए कहा जाता है कि धुंध छाई उजाला अमर चाहिए, है भ्रमित आज पीढ़ी डगर चाहिए, मुल्क में है तबाही गवाही नहीं, आप जैसे जनों की नजर चाहिए, ऐसी नजर बहुत गर्व का विषय है कि ऐसे एरिया में जहाँ पर शिक्षा का दायित्व उठाने का सर्वथा थोड़ा अवेयरनेस कम है, जागृति कम है, और काफी कुछ उसको आगे आप लोग बढ़ा रहे हैं, इसी के साथ साथ आज कहते हैं चार पिलर है, हम एक कुर्सी में बैठे होते हैं, उसके चार पिलर होते हैं, तो ध्यान से सुनेंगे, उसके जो चार पिलर होते हैं उसमें सबसे पहला पिलर होता है फिजिकल, माने हमारी शारीरिक स्वास्थ्य, फिर होता है मेंटल, माने हमारे मानसिक दशा, तीसरा होता है सोशल, यानी हमारी सामाजिक व्यवस्था, और इन तीनों को उचित रूप से बैलेंस में लाने का कार्य होता है स्पिरिचुअल, यानी आध्यात्मिक दशा। ऐसी आध्यात्मिकता को बढ़ाने के लिए हमारे जीवन में वो प्रैक्टिकल घर गृहस्थ में रहते हुए, शिक्षा ग्रहण करते हुए, कारोबार डिपार्टमेंट संभालते हुए कैसे किया जाए, इस कार्य में 1936 से ब्रह्मा कुमारी जो ओम शांति के नाम से भी इस क्षेत्र में मशहूर है, और 137 देशों में आज अनवरत अपनी शिक्षाओं को दे रही है, तो उसके लिए हम आपसे यही कहेंगे, दो लाइनों में आपको एक ऐसा संगीतमय बात आपको बताना चाहेंगे, क्योंकि संगीत एक ऐसी भाषा है जो हमारे दिल तक बहुत गहरे से बैठ जाती है और बहुत आसानी से पहुंच जाती है, तो सभी ध्यान से सुनेंगे। तो आज हमारी इस समाज के लिए भी एक यही अनुरोध है कि आप इस चीज को अपने जीवन में लाएं और अपने जीवन को बहुत शुद्ध और सात्विक बनाएं।